जी हमारे साथ मौजूद हैं। किरण जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज चुनाव की जो है घोषणा हो गई है, तमाम प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं, किस तरीके से अब इस मुकाबले को देखें? कांग्रेस लगातार यहाँ से जीतती आ रही है, कितना जो है महत्वपूर्ण ये चुनाव रहने वाला? कांग्रेस ने एक इतना अच्छा कैंडिडेट मैदान में उतारा है जो धरती पुत्र है, किसान का बेटा है, और आप जानते हैं ये रूरल एरिया है, किस तरह से किसानों के साथ ये काले कानून जो 3 पास करे हैं वो किसानों के साथ कितनी ज़बरदस्त ज़्यादती करी गई है, किस तरह से किसानों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, आंसू गैस फेंकी जा रही है और किसानों को बर्बादी के कगार पे ला के खड़े कर रहे हैं। सारा देश जो है देख रहा है कि किस तरह से पूंजीपतियों के हाथ जो है सारा कुछ दिया जा रहा है और किसान को बर्बाद करके दिया जा रहा है, और ये उसके बाद करा जा रहा है जब इन्होंने इतने बड़े बड़े अपने प्रोमिसेस करे थे, इन्होंने चुनावी वायदे जो करे थे कि 75% जो है हम नौजवानों को, युवकों को नौकरी देंगे। आज जो है हरियाणा जो है नंबर 1 है उस दर में, बेरोजगारी की दर में, सारा का सारा जुमला साबित हो गया। उसके साथ साथ इन्होंने कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है वो लागू करेंगे, आज तक किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में पता ही नहीं क्या है। तो ये खाली चुनाव के समय जो है ये जो है जुमले लेकर आते हैं, उसके बाद ये धरातल के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, पूरी व्यवस्था फैल रही है, कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई है, तो ये जनता देख रही है। कितनी बार जनता बेवकूफ बनेगी, बार बार नहीं बन सकते। लेकिन जिस तरीके से टिकट लेट हुई है, बीजेपी कहीं ना कहीं ये चुटकी लेते हुए नजर आ रही है कि कांग्रेस में अंदर खाने चीजें जो ठीक नहीं है, उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिलेगा। बीजेपी का मकसद ये, इनका तरीका ये है कि ये इस तरह की छुटकियां लेते हैं, कह रहे थे 75 पार कहा था ना, और क्या कहाँ पे आके हुए कि गठबंधन सरकार इनको बनानी पड़ी, वो भी जो हालात हो रहे हैं वो देख रहे हैं। तो बीजेपी तो जो है उनको मालूम है कि उनकी कमियां जो हैं वो दूसरों को उजागर ना हो तो ध्यान भटकाने की बातें करते हैं।